हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और आज मैं घर में बैठ के अपने हस्बैंड से भयंकर वाली लड़ाई कर रही थी और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। तभी मेरी बेटी ने बोला, चलो आपको संडे आउटिंग पे लेके चलती हूँ और आपको इडली डोसा खिलाती हूँ। सो हम इंदिरा नगर के तरफ चल दिए इडली डोसा खाने। लेकिन रास्ते में हमें ये अपने कैट के लिए कैट फूड शॉप दिख गया, तो हम वहाँ उतर गए और सोचा हमारी एप्पल का ट्रीट भी ख़त्म हो रहा और उसके लिए एक न्यू टॉय भी लेना था। सो हम अंदर चले गए और एप्पल जो ट्रीट खाती है वो वहाँ पे मिला नहीं हमें, तो फिर भी हमने दूसरा फ्लेवर ले लिया है, दूसरे ब्रांड का था। और एप्पल को सिर्फ माउस बहुत पसंद है, फर वाले माउस, लेकिन वहाँ पे माउस था नहीं और दूसरे टॉय थे जिसे मेरी बेटी देख रही थी। कुछ अच्छा मिलता तो लेते, फिर मैंने मना कर दिया दूसरे टॉय से, वो इतना खेलती नहीं है, बहुत सारे टॉय पड़े हुए हैं। सो बस छोड़ दिया क्योंकि माउस नहीं मिला। बाद में ऑनलाइन ले लेंगे या किसी और शॉप में देखेंगे। तो यहाँ से उसके बाद हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और हम निकल गए। और निकलने के बाद यहाँ से हमें जाना है रामेश्वरम। रामेश्वरम रेस्टोरेंट है इंदिरा नगर में, जहाँ इडली डोसे साउथ इंडियन फूड मिलते हैं। तो बस हमने अपना हेलमेट पहना और अपनी गाड़ी में बैठ कर चल दिए इंदिरा नगर के तरफ। और आज संडे जो रास्ता थोड़ा सुनसान दिख रहा आपको, वरना काफ़ी ये क्या बोलते हैं ट्रैफिक रहता है। और हम पहुंच गए रामेश्वरम रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया, मैंने अपने लिए एक मसाला डोसा लिया और मेरी बेटी ने इडली लिया। सो हमारा नंबर था कुछ 995 और यहाँ 974 नंबर चल रहा था, तो हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। और रामेश्वरम के सामने का ये लोकेशन है। अभी तो दोपहर का टाइम है जो काफ़ी सुनसान दिख रहा, नहीं तो शाम के टाइम तो ये इंदिरा नगर है और काफ़ी फेमस है पार्टी सार्टी के लिए। तो यहाँ शाम को तो बहुत अच्छे वाले मेले लग जाते हैं, पब बार सारे खुल जाते हैं और लोग यहाँ आते हैं अपना वीकेंड इंजॉय करने। पर आज है संडे और लंच के टाइम हम आए हुए हैं, तो थोड़ा खाली खाली लग रहा। और यहाँ पे जो ये रामेश्वरम है ना, ये रोड के ऊपर है और यहाँ आपको टेबल चेयर नहीं मिलेंगे। और दो टेबल लगे हुए थे जहाँ खड़े होकर कुछ लोग खा रहे थे, पर हमें जगह नहीं मिला तो हम खड़े होकर ही खा रहे थे। ये है हमारा इडली और डोसा, काफ़ी टेस्टी है और ये पूरे घी में बनाए हुए हैं। सो हमने खड़े खड़े खाया और खाने के बाद फिर हमने सोचा कि कुछ मीठा भी खाएंगे। तो हमने देखा बगल में ही टाटा चाय था, तो हम चले गए टाटा चाय। और वैसे इसका नाम क्यूमिन है। मैं जब इसके पहले गई थी, लॉकडाउन के पहले गई थी, उस टाइम तो मैं बहुत बार गई थी, तब इसका नाम टाटा चाय था, लेकिन अभी इसका नाम बदल कर क्यूमिन कर दिया गया है। और हमने वहाँ ऑर्डर कर दिया, मेरी बेटी ने अपने लिए ब्राउनी लिया और मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। तो हमारा ऑर्डर आ रहा, तब तक मैं बैठ के अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ वीडियो बनाने लगी थी। और उसके बाद हमारा ऑर्डर भी आ गया, ये रहा मेरा कोल्ड कॉफ़ी। और गर्मी थोड़ा पड़ रहा आजकल, तो इसीलिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है और साथ में ये ब्राउनी भी आ गया है। तो हमने ब्राउनी खाया और कोल्ड कॉफ़ी पिया और मैंने रील भी बनाए। उसके बाद बस यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ना बाहर झूले भी लगे हुए हैं लेकिन वो भरा हुआ था, सो हम गए नहीं बाहर, हम अंदर ही एसी में बैठ गए। और बस अपना ब्राउनी और कॉफ़ी खाने के बाद हम निकल आए। और निकलते हुए ये मेरा वीडियो है, मैंने सोचा थोड़ा इंदिरा नगर का दोपहर का व्यू ले लेते हैं। तो ये रोड के उस तरफ हमारी गाड़ी पार्क थी, स्कूटर, तो हम वहाँ से आ गए। वहाँ से आने के बाद थोड़ी दूर आगे चले तो मेरी बेटी को ये फ़ोन कवर का शोरूम दिख गया, तो हम वहाँ चले गए आईफोन के लिए। मेरी बेटी को आईफोन का नया कवर चाहिए था, पर कुछ मनपसंद का मिला नहीं, हमने बहुत सारे देखे
कुछ पसंद नहीं आया, उसके बाद हमने छोड़ दिया और फिर से हम यहाँ अपना हेलमेट उलमेट पहन कर हो रहे तैयार, और यहाँ से निकल के सीधा घर के तरफ जाना है। तो चलते हैं। आज तो मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे अपनी बेटी को भी दिखा दिया है, और घर पहुंच कर एप्पल बहुत हैप्पी हो गई। उसके लिए नया ट्रीट आया था, 2 दिन से उसका ट्रीट ख़त्म हो के था, सो वो अपनी मम्मा को देखकर खूब माँव माँव करने लगी थी, और ट्रीट एकदम इतनी जल्दी जल्दी खा रही है जैसे कई दिनों की भूखी है। सो एप्पल भी आज हैप्पी हो गए, और मेरा भी मूड थोड़ा सा ठीक हो गया है। और बस आज का वीडियो यही एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।